And yours? Chintan Kaur. And yours? Karini Dave. ये आपके स्टूडेंट्स हैं सर? या मैम, इस आर्ट फॉर्म के बारे में बताइए थोड़ा सा. बेसिकली वी वर ट्राइंग टू कम अप विद प्रोडक्ट्स मेड आउट ऑफ वेस्ट बॉटल्स. एंड इसमें से इन लोगों ने पेन स्टैंड बनाए हैं, कैंडल होल्डर्स बनाए हैं, पिगी बैंक बनाया. दिस इज अ मोबाइल स्टैंड, यू कैन जस्ट हैंग इट नेक्स्ट टू अ प्लग पॉइंट, राइट. ये जो सोल्ड, इसको लिखा है सोल्ड आउट हो गया. हाँ, काफ़ी सारे प्रोडक्ट सोल्ड आउट हो गए. जी जी. ये बेसिकली आर्ट फॉर्म कहाँ से इंस्पायर्ड है, आपने कैसे सोचा है इसे? जस्ट कुछ वेस्ट से बनाना है, तो बॉटल एक चीज़ है जिसको हम बहुत कलेक्ट करते हैं, ग्लास बॉटल्स, तो उसको कट करके बनाया है. ये मग्स बनाए हुए, पीछे लैंप्स भी हैंग किए हैं. तो ये आर्ट फॉर्म आपने अभी तक कहाँ पे, कहाँ कहाँ प्रेजेंट कर चुके हैं आप? मेरी सोलो एग्जीबिशन हो चुकी है अहमदाबाद में, बॉम्बे में, सूरत में, और ऐसे इवेंट्स में. ये सिर्फ एक प्री वर्कशॉप था स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए. सो मेरे अंडर 28 स्टूडेंट्स सीख रहे थे और इन लोगों ने ये सब बनाया. मेन तो यही सीखना मिला कि वेस्ट में से बेस्ट का सबक, और जो ग्लास का वर्कशॉप है उसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए. बेसिकली हमने ये भी सीखा कि जो ग्लास कटिंग और हम सब प्रोडक्ट देखते हैं तो देखने वालों को ये लगता है कि 3-4 घंटे में बन गया होगा, पर ऐसा नहीं है बिल्कुल ही, क्योंकि सिर्फ कटिंग में उसका इतना टाइम लग जाता है कि बहुत ही पेशेंस चाहिए. अगर कटिंग के टाइम भी कोई मिस्टेक हो जाता है तो बॉटल पूरा वेस्ट है, क्योंकि क्रैक पड़ने के बाद कोई भी लेने आएगा तो उसको डैमेज पीस तो चाहिए ही होगा. और हम सारे प्रोडक्ट्स हमने पूरे 10 डेज वर्क किया तब जाके हमको ये सब इतना मिला है. बहुत बढ़िया. लाल, मुझे ये दोनों ज़्यादा पसंद है. ओके. वो वाला इसलिए पसंद है कि उसके एक लैम्प है, उसमें सबसे ज़्यादा मेहनत उसमें ही लगी है. ठीक है. उसके पूरे 2 डेज लग गए और उसको है ना, हमने एक कंसेप्ट में यूँ लिया कि ट्विस्ट करके लग गया. एक ही बॉटल में से बना पर सारे पीसीस को ट्विस्ट किया और इसको इसमें बहुत सारा टाइम लग गया, पीसीस को कट करने में टाइम लग गया. एक ये प्रोडक्ट है, जैसे ये दिस इज़ वेरी यूजफुल. आप छोटा सा ये डिस्पेंसर अपने ऑफिस में रख के पानी या चाय या किसी के लिए भी आप चाय को यूज़ कर सकते हैं. और इन लोगों ने बहुत मेहनत की है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, होल्ड ड्रिल करते हैं एक बॉटल में तो पूरी बॉटल क्रैक हो जाती है. सो इन लोगों की दो दिन की मेहनत जिसमें इन लोगों ने बॉटल काटी है, और फिर लास्ट में जब सिर्फ एक होल करने चाहते हैं तो वो टूट जाता है. तो ये लोग कोशिश करते हैं कि हम कोई डेकोरेशन करके उसको कवर करें, बट ऐसा इन लोगों ने नहीं किया. इन लोगों ने दोबारा काटी बॉटल और दोबारा बनाया.